बेगूसराय सदर अस्पताल के सैकड़ों चिकित्सा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को सीएस का घेराव किया। यह प्रदर्शन बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व और राजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी ने किया। इस दौरान मंत्री मोहन मुरारी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह टीकाकरण हो या अन्य कार्य। उन्होंने कहा कि वैसे कर्मचारियों की स्थानीय मांग पूरी नहीं की जा रही है और टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं मुरारी ने चेतावनी भरे लहजों में बताया कि यदि सिविल सर्जन समय रहते मांगों को पूरा नहीं करता है तो विवश होकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएगी। इस अवसर पर जिले के सैकड़ों महिला कर्मचारी मौजूद थे। बेगूसराय जिला में आज चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा आज सिविल सर्जन के समक्ष धरना प्रदर्शन है। इस मांग को लेकर हमने कई बार सिविल सर्जन से मिला और वो आश्वासन देते रहे। पहले दिए 20 जुलाई करेंगे, फिर कहे भाई जुलाई में कर देंगे, फिर कहे कि 14-15 अगस्त तक कर देंगे। लास्टली हम इनको कहे कि हमारा जो मांग है उसको आप कर दीजिए, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हुआ। और कोई नहीं, स्थानीय मांग है। स्थानीय मांग मुख्य रूप से है सेवा संतुष्टि है। कई कर्मियों का 3 साल पूरा हो गया है जिसके कारण प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, सेवा संतुष्टि नहीं किया जा रहा। और ACP का लाभ सरकार ने दिया है 10-20-30 साल में ACP का लाभ देने के लिए। सैकड़ों कर्मचारी वर्षों से लंबित है, नहीं कर रहा है, इसको करना है। वेतन भुगतान का सवाल है, वेतन भुगतान मानदेय समय पर नहीं दे रहा है। आज चिकित्सा कर्मी इस कोरोना काल में घर घर घूम करके वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, हर बार आपदा में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको समय पर नहीं वेतन मिल रहा है, नहीं लाभ मिल रहा है। मजबूर हो करके बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज आंदोलन के लिए 17 अगस्त से आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इन सारे सवाल को लेकर के आज जानते हैं कई विभाग है जिसके जो कर्मी हैं उनको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब बुझिए कैसे काम करेगा, घर में जाता है बाल बच्चा कैसे पढ़ाएगा, कैसे खाएगा पिएगा, ये सारे सवाल उत्पन्न है। और सिविल सर्जन साहब सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, काम करने की इनकी नीयत नहीं है, काम करने की मंशा नहीं है। और ये हमको जो लगता है जो स्थिति पैदा है या जानबूझ के इसको विलम्ब किया जा रहा है ताकि दोहन शोषण किया जा सके। इसका मुख्य रूप से दोषी कौन है? अरे मुख्य रूप से सिविल सर्जन है, मुख्य रूप से सिविल सर्जन की दायित्व है, इनका पावर है, इनका अधिकार है, हमको देना है इनको है। कर्मचारी को रिपोर्ट करेंगे, काम कराएंगे, देंगे जो वाजिब है, जिनका जो वाजिब बात है उनको देना चाहिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो टाल मटोल का कारण क्या हो सकता है? टाल मटोल का कारण दोहन शोषण ही हो सकता है जो हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन मुरारी, जिला मंत्री और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। अभी कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं? अभी चिकित्सा संघ के जिला मंत्री लव कुमार सिंह, चिकित्सा संघ के अध्यक्ष श्रीमती आशा, महासंघ के उपाध्यक्ष शंकर मोची, चिकित्सा संघ के तमाम प्रखंड एवं जिला के नेतागण हैं, कर्मचारी हैं। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे, सब कुछ को चिकित्सा विभाग को पूरे जिला को ठप करने के लिए विवश होंगे। हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से को भी हमने। BNP न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ऑफिस में घुस दिन तो ऑफिस में घुस के जाए।